नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज की हमारी इस खास कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको श्री अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व यहां पर स्वर्ण मंदिर जाते समय ऐसा दिखाई देता था कि यहां संकरे बाजार है। ये क्षेत्र भीड़ भाड़ वाला नजर आता था, मगर कुछ ही वर्षों बाद गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण परियोजना बनाई, जिसके अंतर्गत स्वर्ण मंदिर में और आसपास के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके इसे सजाया गया। अलग अलग साज सज्जा से इसे संवारा भी गया। सबसे पहले अमृतसर जालंधर मुख्य सड़क के स्वर्ण मंदिर के नज़दीक लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक 5 मंजिली पार्किंग बनाई गई है। इसके लिए एक ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया गया है, जो सीधा आपको पार्किंग स्थल ले जाता है। जब सभी तरह के श्रद्धालु यहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करके श्री हरमंदिर साहब में बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। आप जैसे ही पार्किंग से बाहर निकलते हैं, लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। लेकिन इससे पहले जलियांवाला बाग भी आता है, जो लगभग स्वर्ण मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का परिसर सामने दिखाई देता है, जिसका विहंगम दृश्य देखते ही ऐसे लगता है मानो आप भारत में हैं। यानी संपूर्ण भारत का दर्शन आप एक जगह कर सकते हैं, बल्कि साफ सफाई के मामले में और व्यवस्था के मामले में ये विदेशों जैसा लगता है। हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ भाड़ के कारण अवश्य यहाँ कुछ अव्यवस्था दिखाई देती है, मगर इससे खास बात यह है कि स्वर्ण मंदिर परिसर की व्यवस्था शिरोमणि कमेटी के हाथ में है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले दर्शनी ड्यूढ़ी में 50 मीटर दूर जोड़ा घर बनाया गया है, जहां पर आप सभी श्रद्धालु अपने जूते यहां जमा करवा सकते हैं। उसके बाद दर्शनी ड्यूढ़ी के मध्य में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। 400 वर्ष पूर्व बनाए गए इस स्वर्ण मंदिर की न केवल छटा निराली है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था भी यहाँ आकर देखते ही बनती है। हजारों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में पहुंचते हैं, मगर फिर भी साफ सफाई यहां पर अलग छटा लिए हुए है। बेहद ही पवित्र और निराले रंग से सरोवर है, जिसके बीच में 400 सालों पहले सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। कई तरह के इतिहास के अनुसार सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने इसका नक्शा स्वयं तैयार किया था। आइए चलते हैं इसके इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेते हैं। इसी के साथ पल पल के संपादक सुरेंद्र भाटिया के साथ अखिल भाटिया की अमृतसर से विशेष रिपोर्ट। इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह भी कहा गया है कि गुरुजी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 19वीं सदी में महाराज सरदार जसा सिंह अहलूवालिया द्वारा बनाया गया था। जितनी बार भी ये नष्ट किया गया और जितनी बार भी यह बनाया गया है, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों द्वारा भी शताब्दी में इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तब महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया भी। दोस्तों, यहाँ की सरोवर की एक खास बात है। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये पूरा मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। यहाँ झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह झील मछलियों से भरी हुई है। स्वर्ण मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है, जिसमें एक भूमिगत तल भी बना हुआ है और 5 अन्य तल भी हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है, जहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार से किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में
स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप। भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारे में परिक्रमा करते हैं, जिसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन भी करते हैं। अकाल तख्त के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ एक दुख भंजनी बेरी नामक स्थान भी है। गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित किद्वंती के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल सकती है। इसी विश्वास को लिए वह तालाब में छलांग लगा देता है। लेकिन बाद में वह जब बाहर आया तो उसने देखा कि उसका कोढ़ पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दोस्तों, यह वही सरोवर है जिसमें आज हरमंदिर साहिब के नाम से इसे जाना जाता है। उस समय यह एक छोटा सा तालाब था जिसके चारों तरफ बेरी के पेड़ लगे हुए थे। तालाब का आकार तो अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया, मगर उसके किनारे पर मौजूद आज भी वे बेरी के पेड़ साफ दिखते हैं। यह स्थान पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पवित्र और पावन माना जाता है, जहां पर सिख धर्म के अनुयायियों के अलावा सभी धर्मों के लोग माथा टेकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, अगर आप भारत पहुंचते हैं तो हरमंदिर साहब के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। अमृतसर की पावन भूमि पर गुरुओं के इस पवित्र स्थान को आपने नहीं देखा तो आपकी भारत की यात्रा शायद अधूरी है। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो खुद ब खुद आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट सुरेंद्र भाटिया के साथ।